दुखद सूचना भी मिली है। एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या का समाचार है, उस पर मैं शोक प्रकट करता हूं और जो मृतक परिवार हैं उनके प्रति अपनी संवेदना जाहिर करते हुए मृतकों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और यह भी साथ में कह रहा हूं कि जो भी इस घटना के दोषी होंगे उनको खोज निकाला जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज इस विषय को लेकर के आप सबके साथ मुझे चर्चा करने का सौभाग्य मिला है। उसके गरीब कल्याण से जुड़े हुए दो महत्वपूर्ण विषय जिससे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के गरीबों में एक खुशी का वातावरण और उनकी जरूरत के हिसाब से उनके पास योजनाओं को पहुंचाने का जो काम था वह देश में गरीबों के लिए समर्पित और प्रदेश में गरीबों के लिए समर्पित दोनों जो डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है इस सरकार के माध्यम से, आज मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की आप सबके साथ चर्चा करना चाहता हूं। अगर मैं प्रदेश की बात करूं तो 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भारत सरकार की ओर से आवासों की उपलब्धता कराए जाने की व्यवस्था किए जाने के बाद भी श्री अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में 2014 और 17 के बीच में कुल 18,000 आवासों का आवंटन किया था और जब वह सरकार से गए तो उनके भी निर्माण कार्य अधूरे छोड़ करके गए थे। और अगर प्रदेश की दृष्टि से 2017 से 2022 की मैं आपके साथ चर्चा करूं तो उसमें इस बात पर हमें गर्व है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 2017 से 2022 के बीच में 44,00,000 आवास बनाने का काम किया है। एक तरफ 18,000, एक तरफ 44,00,000। इसमें जमीन आसमान का अंतर कहना तो मेरे समझ से कम होगा, इसमें तो और कई हमें ग्रहों की ओर जाना पड़ेगा उतना अंतर सपा और भाजपा के बीच में रहा। अगर मैं देश की दृष्टि से बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो आवास बनाए गए हैं उन आवासों की संख्या नगरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र मिलाकर के 3 करोड़ है। इन आवासों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पूरे देश के अंदर 2,52,00,000 पक्के मकानों का निर्माण गरीबों के लिए बना करके पूरा करके उनको देने का काम किया जा चुका है। और इसके लिए भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 1,95,000 करोड़ रुपए की राशि भी दी गई। दूसरी योजना जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नाम से जानी जाती
इस योजना में 58 लाख मकान बनाने का काम पूरा किया जा चुका है और इसके लिए भारत सरकार 1,18,000 करोड़ रुपए की राशि भी जारी कर चुकी है। इसमें सबसे जो बड़ी बात है योजना की दृष्टि से, क्योंकि महिला सशक्तिकरण भी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ी योजना है। उस योजना के क्रम में जो इसके स्वामित्व का प्रमाण पत्र है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, वह मातृशक्ति के नाम, महिलाओं के नाम अथवा संयुक्त नाम से देने का काम किया गया है। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बनते हैं, आवास पाने वाले लाभार्थियों के घर में शौचालय का निर्माण, उनके घर में प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना से बिजली का कनेक्शन देने का काम, उनके घर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का निःशुल्क कनेक्शन देने का काम और जल जीवन मिशन के माध्यम से उनके घर में पीने का पानी पाइपलाइन से उपलब्ध कराने का काम भी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा। मुझे आज इस बात की खुशी है कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की दृष्टि से जब बात करता हूं तो मुझे अपना बचपन याद आता है। हमें से तमाम ऐसे साथी होंगे जो गांव के रहने वाले होंगे और गांव में रह करके तमाम आज भी ऐसे परिवार आपको देखने को मिलते होंगे जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है। जिनका पक्का मकान नहीं होता है, अगर वर्षा हो जाए तो गरीबों के घर में छाता भी नहीं होता था। जैसे मेरे ही घर में, मैं अपने घर का वर्णन करूं, आपके सामने चर्चा करूं, तो जब मैं छोटी आयु का था, मेरा भी कच्चा मकान छप्पर के सहारे, घर के बाहर बैठने की व्यवस्था, और वर्षा काल में अगर रात्रि के समय पानी बरसने लगे तो मेरी माता जी रात्रि के समय, कोई सीढ़ी चढ़ने के लिए कोई पक्की या कच्ची सीढ़ी नहीं होती थी, बांस की बनी हुई सीढ़ी होती थी जिसके सहारे छत पे जाना। अगर रात में पानी बरस रहा है और पानी चूने लगे तो पानी चूने लगता था तो जहां पर कोई सो रहा है, बैठा है, कोई सामान रखा है, वो भीगने लगता। तो माता जी स्वयं रात्रि के समय, और ऐसा मेरे परिवार में ही लाखों करोड़ों परिवार के साथ ऐसा देश और प्रदेश के अंदर हुआ है जिनके सामने इस प्रकार के संकट रहे। जब रात्रि के समय छत के ऊपर जाकर के पानी जहां से भी आ रहा है, चू रहा है, उसको बंद करने का काम किया जाता था, तो छाता नहीं होने पे, जो क्योंकि खेती के काम से जुड़ा हुआ मेरा परिवार था, तो जो खाद की बोरी, उर्वरक की बोरी आती थी, वह बोरी के कारण से कुछ बोरी बच जाती थी खाद छिड़कने के बाद, तो उस बोरी को ही सर पे डाल करके उसी के सहारे छत पे जाया जाता। तो इस प्रकार के कष्ट से 3 करोड़ परिवारों को देश भर में मुक्ति दिलाने का काम देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो किया गया है वो अपने आप में अभिनव है, बहुत बड़ी एक तरह से यह योजना है। इस योजना में 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्चा किए गए हैं। और अगर आपको मैं कांग्रेसी सरकारों के समय की याद दिलाऊं तो उस समय की सरकारों के समय स्वयं कांग्रेस के प्रधानमंत्री के रूप में श्री राजीव गांधी जी ने संसद में खड़े होकर के कहा था कि जब हम भारत सरकार की ओर से कोई योजना बनाते हैं और उस योजना का लाभ जिसको देना चाहते हैं, अगर दिल्ली से 1 रुपए भेजते हैं तो जिसके पास पहुंचना है वहां पहुंचते पहुंचते वह 15 पैसे बचता,
अर्थात अगर कांग्रेस सपा बसपा जैसे राजनीतिक दल के लोग अगर यह योजना बना करके सरकारों में होते और लाते तो जो लाभार्थी है उसको 15% मिलता, अर्थात 45,000 करोड़ रुपया मिलता और 2,55,000 करोड़ से अधिक या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देने का काम किया जाता। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने डीबीटी के माध्यम से जो लाभार्थी है सीधे उसके खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा भेजने का काम किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की ओर से और देश के गरीबों की ओर से अभिनंदन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। और यह एक अभिनव योजना थी जिसको लेकर के पूरे देश में पॉजिटिव चर्चा है, लोगों ने गरीबों के नाम पर राजनीति की, वोट लिया, सरकार में आए लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। दूसरी योजना की चर्चा मैं करना चाहता हूं जो विशेष तौर से कोरोना महामारी के समय से शुरू हुई। कोरोना का महासंकट आया, उस महामारी के दौरान लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के कारण से जो रोज कमाने वाले थे, रोज खाने वाले थे, केवल मजदूर ही नहीं छोटे छोटे कारोबार करके भी अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले जो लोग थे वह सभी के सभी लोग एक तरह से उनके सामने रोजी रोटी का संकट, रोटी का संकट आ गया था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम करते हैं उन्होंने एक अभिनव योजना, इसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम से जाना जा रहा और पिछले लगभग 2 साल से लगातार चल रही, अभी 6 महीने के लिए फिर उसको बढ़ाने का काम किया गया। और इस योजना के माध्यम से जो पूरा डेटा है वह ये कहता है कि अब तक पूरे देश के अंदर 244,00,000 मैट्रिक टन ये राशन आवंटित राज्यों के खाते में किया जा चुका है जिसके वितरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। लगभग 80 करोड़ लोग देश में और 14 करोड़ से अधिक लोग उत्तर प्रदेश में इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और इस योजना में भी अभी तक की सूचना के हिसाब से 80,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने इसमें 100% भारत सरकार का ही योगदान रहता है। प्रदेश सरकार की ओर से भी हम लोगों ने पिछले समय एक योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निर्देश में इसके अंदर एड की थी जिसमें प्रति यूनिट जो राशन दिया जाता था वो 5 किलो दिया जाता था, उसे बढ़ा करके फिर 10 किलो हुआ और अभी प्रदेश सरकार ने भी उसको आगे बढ़ाने का काम किया है जिसकी चर्चा पूर्व में मैं आपसे कर भी चुका हूं। अब इस योजना के साथ साथ हम जहां गेहूं चावल है उसके साथ साथ तेल भी, दाल अथवा चना और नमक और जो अंत्योदय कार्ड धारक उनको चीनी के साथ या राशन का किट उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। अर्थात ये गरीब कल्याण के लिए एक ऐतिहासिक कदम था और इस कदम का परिणाम क्या हुआ, जैसे गरीब आदमी कोई उत्तर प्रदेश का है वो दिल्ली रहता है, कोई महाराष्ट्र में रहता है, कोई गुजरात में रहता है या उन राज्यों का कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या किसी अन्य राज्य में रहता। हमारी सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक देश में एक कार्ड की व्यवस्था की, एक राशन कार्ड की व्यवस्था की और मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि पूरे देश के अंदर लगभग 10% लोगों ने वन नेशन और वन राशन कार्ड के माध्यम से राशन अपने जहां उनका निवास का स्थान है, जहां के रहने वाले हैं, उस स्थान की जगह दूसरे स्थान से राशन प्राप्त करने का काम किया है। मैं आज की इस बैठक के माध्यम से आप सबको यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, डबल इंजन की सरकार मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में विशेष तौर से गरीबों के लिए समर्पित सरकार और गरीब कल्याण के लिए लगातार
हमारी सरकार काम या जो पखवाड़ा विशेष तौर से हमारा चल रहा है उसमें अलग अलग प्रकार से या विषय हमारे अन्य साथी भी आपको सामने रख चुके हैं, आगे भी अभी और सारी जानकारियां आपको देने का काम किया जाएगा। आज मैं यह एक महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि ये गरीबों से जुड़ा हुआ विषय था और गरीबों से जुड़े हुए विषय की आप सबको जानकारी देने के लिए आज यहाँ पर आमंत्रित किया गया और आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। वो बहुत दुखद घटना है और उस दुखद घटना की बहुत गंभीरता से, बहुत उच्च स्तर से जांच हो रही है। घटना के कारण क्या है, घटना का दोषी कौन है, और जो भी दोषी होगा मैंने पहले ही बता दिया, उसे बख्शा भी नहीं जाएगा, वो बच भी नहीं पाएगा। धन्यवाद। विपक्ष के सवाल का जवाब मैं समझता हूं कि जब इस तरह की दुखद घटना हो और वह ये समझते हैं कि सहानुभूति प्रकट करने की जगह, श्रद्धांजलि देने की जगह अपराधियों को पुलिस जब पकड़ने के लिए आगे कार्रवाई कर रही है, मुझे लगता है उसकी लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए। अपराधी बचेगा नहीं, वो चाहे विपक्ष का कोई नेता बचाने की कोशिश करे तो भी नहीं बचेगा। धन्यवाद। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।